हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये एक बेबी कैरियर है इसका, और इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा, कहाँ से मैंने खरीदा, कितने में खरीदा, ऐसी सारी डिटेल्स मैं इसके बताने वाला हूँ। इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी ओवरऑल रेटिंग क्या है, ये सारी डिटेल्स मैं इसके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बिना देरी के ये चलो दोस्तों शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Please subscribe to our channel P Bros for more interesting videos and press bell icon for latest updates. Thank you. तो ये दोस्तों मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से, और ये अराउंड मैंने आई थिंक 300 के आसपास खरीदा था। इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है आप नीचे कमेंट में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। उसमें एक लिंक है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि कितने अभी लेटेस्ट प्राइस है इसकी। तो चलिए दोस्तों इसको क्विकली ओपन करते हैं, देखते हैं कैसी क्वालिटी आती है। जैसे मैंने ऑर्डर किया था, मुझे मतलब फ़ोटो में तो एक्सपेक्ट था कि एक बहुत बड़ा सा पैकेज आएगा, बट जैसे मैंने ये पैकेज देखा मैं सरप्राइज हो गया, इतना छोटा पैकेज में कैसे आएगा। तो ये हो गया बिल, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कैरियर आ गया। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई हुए हैं कि कैसे करना है, कैसे बेबी को इसमें पुट करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो फोर अलग अलग पोजीशन है। ये 8-in-1 है। आई थिंक जैसे आप डिस्क्रिप्शन खोलोगे उसमें पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी कि कैसे ये 8-in-1 है, वो अमेज़न के लिंक पे पूरी डिटेल्स दी गई हुए। वैसे यहाँ पे भी दिया है कि फोर ये जो भी है अलग अलग स्टाइल्स में कैसे आप बेबी को रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्विकली देखते हैं इसको। पहले तो ओपन करते हैं यहाँ से, ये कुछ तो बेल्ट जैसा दिया है, बॉक्स के हिसाब से तो ये मुझे ठीक ठाक बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पे एक पॉकेट भी है, कुछ जैसे बेबी का बॉटल हो, रुमाल हो, वो सब रखने के लिए दिया है। बाकी ये जैसा बेल्ट है ये आप पीछे लगा सकते हो। ये बहुत ही सॉफ्ट है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट है, और ये शायद सपोर्ट के लिए बेल्ट दिया है इसमें। ये पूरा बेल्ट है, एडजस्टेबल है, इतना इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे स्ट्राइप लगा के ऐसे साइड से, तो यहाँ पे जैसे लॉक लगाया। ठीक है, ये भी एडजस्टेबल है, जैसे बेबी थोड़ा बड़ा है तो ये थोड़ा यहाँ से बड़ा करके, ये भी थोड़ा मैं बढ़ाता हूँ। इजी है बहुत ही यूज करने में ये है। तो ऐसे आप इसमें बेबी को रख सकते हैं, यहाँ से बेबी के पैर बाहर आएंगे, और यहाँ पे भी जैसे देख सकते हो बहुत ही कंफर्टेबल है। बीच पीछे जो भी है थोड़ा हार्ड मटेरियल दिया है ताकि पीठ को बेबी के सपोर्ट मिले, और जैसे चाहे जैसे आप सामने से पीछे से कहीं कहीं पे भी ये बेल्ट से आप लगा सकते हो, और ये एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए कमर के लिए बेल्ट दिया है। तो इसकी ओवरऑल क्वालिटी प्राइस के हिसाब से मुझे बढ़िया लगी, इसको मैं रेटिंग देता हूँ 8 out of 10। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्या होता है ऐसे सब्सक्रिप्शन से और कमेंट से हमें इंस्पिरेशन मिलती है ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस डालने की। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।